अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम लोग आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो जनरल एंटीज बताने जा रहा हूँ। हम लोग डिफरेंट हेड के अंदर तमाम के तमाम जनरल एंटीज जो अकाउंटिंग में होती हैं वो कोशिश करूँगा कि आज आपको इंटर लेवल में जो आप लोगों के आईकाम वगैरह में मतलब जो भी आप लोगों की एंटीज आती हैं किसी भी बेसिक इंटर लेवल के अंदर आप लोगों के पास जो भी बेसिक जनरल की एंटीज आती हैं कोशिश करूंगा कि आज वो आपको सारी टॉपिक वाइज और उनके हेड वाइज सारी बताता जाऊं कि किस तरह से कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। अब उनके अंदर हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कैपिटल की एंट्रीज के, कैपिटल की एंट्रीज कैसे होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल की एंट्रीज देखते हैं। कैपिटल के अंदर आप लोगों को मन में कि जब भी आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप लोगों के बिजनेस के अंदर हमेशा कैपिटल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोगों के पास मैं कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है स्टार्टेड विद कैश, आप लोगों का बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है रुपीज 1 लाख से, ठीक है। तो आप लोग दो चीजें इसमें देखोगे कि कौन सी बिजनेस के अंदर मतलब हमारी कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है। एक आप लोगों के पास बिजनेस के अंदर जब भी आप लोग कैश मतलब कैपिटल जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो दो चीजें आएंगी, एक कैश और एक कैपिटल। तो कैश आप लोगों के पास एसेट होता है बिजनेस में, जब भी आप लोगों का कैश बढ़ेगा तो आप लोग कैश को मतलब एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करोगे कैश के नाम से। और दूसरी चीज आप लोगों के पास हमेशा जब भी आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैश आता है वो कैपिटल का पार्ट बनता है, और कैपिटल की नेचर है कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो कैपिटल आप लोगों का क्रेडिट होता है, ठीक है। हम लोग रूल को भी मद्देनजर रखेंगे जो हमारे रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश जो कि एसेट था आप लोगों के पास बढ़ा, आपने डेबिट किया, ठीक है, इसको आप लोग डेबिट करोगे और फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट आ रही है 1 लाख। और दूसरी चीज आप लोगों के पास कैपिटल, जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे हमेशा कैपिटल आएगा और कैपिटल आप लोगों के पास क्रेडिट हुआ करेगा, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्रेडिट होगा और जितनी अमाउंट होगी वो आप लोगों के पास क्रेडिट हो जाया करेगी, ठीक है। तो सिंपल आप लोग सबसे पहले एंट्रीज याद रखिएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट करो कैश के साथ कैश हमेशा डेबिट होगा क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये रूल आप लोग लाजमी याद करके उसके मुताबिक अपनी एंट्री को कीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बैंक के साथ, बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है या बिजनेस आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हो या बिजनेस को आप लोग कमेंस कर रहे हो, सब एक ही नाम है, ठीक है, कमेंस कर रहे हो। और विद मैं कहता हूँ कि जी विद बैंक आप लोग बैंक से रुपीज मैं कह लेता हूँ कि 2 लाख है, आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो बैंक से, तो इससे मतलब है हम लोग का बैंक भी एसेट होता है, तो बैंक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल तो आपके पास आएगा ही आएगा क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे इंट्रोड्यूस करोगे कमेंस करोगे तो कैपिटल बच्चों आप लोगों के पास आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसके लिए एंट्री करोगे बैंक एसेट बढ़ा, इसको डेबिट करोगे बैंक अकाउंट को क्योंकि ये एसेट बढ़ रहा है तो आप लोगों के पास इसको डेबिट करोगे, ठीक है। और दूसरा कैपिटल आप लोगों के पास जब भी बढ़ेगा हमेशा क्रेडिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट ये आप लोगों के पास क्रेडिट हो जाएगा या ये भी आप लोगों के पास 2 लाख से और 2 लाख से ये भी अमाउंट आ जाएगी। बच्चों ये तो आप लोगों के पास सिंपल एंट्रीज हैं, मतलब जब भी बिजनेस कैश से स्टार्ट करोगे तो कैश डेबिट होगा कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल की नेचर है कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे मतलब आप लोग बैंक से तो बैंक बढ़ेगा डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी में मैं इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग अगर एक कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें आप लोगों के बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और एक से ज्यादा चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ हम लोगों के पास पहले तो ये था फिर ये है, अब अगर मैं कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट किया है आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है थर्ड केस में बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और विद कैश के साथ विद कैश रुपीज 2 लाख, 2 लाख कैश के साथ एंड
50,000 कैपिटल और 50,000 बैंक के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, अब अगर वो कह रहा है थर्ड में कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें कैश आप लोगों के पास आया है 2 लाख और बैंक आया है 50,000, तो इसमें आप लोग दो चीजें देखो, आपके पास जो आ रही है आपके बिजनेस में, एक कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है, ये दोनों एसेट है। एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करोगे, आप लोग दोनों को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को और बैंक अकाउंट को, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ये भी आप लोगों के पास डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, जितनी जितनी इनकी अमाउंट है, ये आप लोगों के पास 2 लाख से है, 2 लाख से है और ये आप लोगों के पास 50,000 से है, तो ये एंट्री आप लोगों के पास मतलब दोनों डेबिट हो जाएंगे। और कैपिटल जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल आप लोगों के पास क्रेडिट होता है, तो आप लोग कैपिटल को क्रेडिट कर दो, क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2,50,000 से, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता लग गया अगर बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन एक चीज आप भी याद रखिएगा, कैपिटल उसी वक्त आता है जब बिजनेस से स्टार्ट करते वक्त आप कोई कैश ला रहे हो, बैंक ला रहे हो या कोई भी एसेट लेके आ रहे हो, तो कैपिटल फिर ही आएगा, अदरवाइज कैपिटल कभी भी किसी एंट्री में नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर मैं इसी का एक और वर्जन देख लेता हूँ कि आप लोग जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो विद 1 लाख कैश है, मतलब कैश 1 लाख है, ठीक है। बैंक में आप लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं, बैंक रुपीज आप लोगों के पास मतलब 2 लाख है और एंड आप मोटरमैन और एक मोटरमैन भी लेके आ रहे हैं, वो आप लोगों के पास है रुपीज समथिंग 3 लाख की। तो अब 3 चीजें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसमें कैश भी आ रहा है 1 लाख का, बैंक भी आ रहा है 2 लाख का और मोटरमैन भी आ रही है। अब देखो हम लोगों को मालूम है कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, ये दोनों तो डेबिट ही होंगे, मोटरमैन भी एसेट है, ठीक है। तो आप लोग इसकी सिंपल एंट्री करोगे कि कैश भी डेबिट होगा, कैश बढ़ेगा इसको भी डेबिट करोगे, बैंक आप लोगों के पास बढ़ेगा इसको भी डेबिट करोगे, और तीसरा कोई भी एसेट जैसे मोटरमैन है, बिल्डिंग है आप लोगों के पास, गुडविल है आप लोगों के पास, कोई मतलब व्हीकल्स है या कोई लैंड है या कोई स्टॉक है, इन्वेंटरी है, वो सारी चीजों में से कुछ भी बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, ठीक है। जो जो उनकी अमाउंट है, ये 1 लाख से, ये आप लोगों के पास 2 लाख से और क्रेडिट आप लोगों के पास, और अभी डेबिट में आप लोगों के पास मोटरमैन भी डेबिट हो जाएगी, वो जो एसेट आया तो इसको भी आप लोग डेबिट कर दोगे, वो कितने से 3 लाख से, ठीक है। अब ये तीनों आप लोगों के पास डेबिट है और आ रहा क्या है, इन तीनों चीजों के साथ आपके बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है, सरमाया भी आ रहा है, तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो आप लोग क्या करते हो, क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दें, ठीक है। और उसके पैसे इन सबके टोटल हो गया है 3, 2, 5 और 1, 6 लाख आप लोगों के पास ये आ जाएगा, तो ये एंट्री इसकी बन जाएगी। अभी तक स्टूडेंट मैंने जो भी सीखा आप लोगों को, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बारे में बताया कि बिजनेस के स्टार्ट के जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका हमेशा कैपिटल ही होगा, क्योंकि हम लोग आज अभी डिस्कस ही कैपिटल की एंट्रीज कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से इसकी एंट्री बना सकते हैं। इसमें सिंपल यही है कि कैपिटल जब भी आप लोग के बिजनेस में आएगा या आप अपने बिजनेस में लगाओगे हमेशा क्रेडिट ही होगा, जो कि आप लोगों को मालूम है कि इसके रूल्स हैं, कैपिटल बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये सिंपल सी एंट्रीज है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, परचेजेस पे आते हैं, उसकी भी एंट्रीज आप लोगों को करवाता हूँ। जी स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने की थी कैपिटल की एंट्रीज, अब हम लोग कह रहे हैं परचेजेस की। जब भी आप लोग अपने बिजनेस के अंदर चीजें गुड्स को परचेज करोगे, बोर्ड करोगे, बाय करोगे, जो आप लोगों के पास परचेजेस ही अकाउंट में रहेगा, ठीक है। देखो परचेजेस में हम लोगों के पास ना दो चीजें, एक तो मैंने समझ लो कि परचेजेस जब भी बढ़ेगी तो हमेशा डेबिट होगी और परचेजेस जब भी कम होगी तो क्रेडिट होगी, ये तो डेबिट और क्रेडिट का रूल है कि जब भी बिजनेस के अंदर चीजें खरीदोगे तो परचेजेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब है परचेजेस का अकाउंट डेबिट ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज्यादा बढ़ने वाली आता है तो परचेजेस बढ़ेगी, तो आप लोगों को मालूम है कि परचेज बढ़ेगी तो आप लोग डेबिट करोगे। अब यहाँ दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि
परचेजिंग आप लोगों के पास दो तरह की होगी, ठीक है। एक आप लोगों के पास होगी कैश परचेजेस, ठीक है, एक कैश परचेजेस कर लें और दूसरी आप लोग कर लें क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। तो आप लोगों के पास कैश परचेजेस में हम लोगों के पास होता है जो चीजें आप लोग कैश पर खरीद रहे हो, ठीक है, और क्रेडिट परचेजेस में होता है जो चीजें आप लोग उधार पे खरीद रहे हो। तो जब भी कैश पे गुड्स परचेज करोगे, बोर्ड करोगे, बाय करोगे, तो आपके पास हमेशा एंट्री होगी परचेजेस डेबिट हुआ करेगा, क्योंकि नेचर वाइज परचेजेस जब भी बिजनेस में बढ़ेगी, परचेजेस बढ़ेगी तो डेबिट करोगे, तो परचेजेस अकाउंट आप लोगों के पास डेबिट होगा जितनी भी अमाउंट होगी, और क्रेडिट जो होगा आपके पास कैश, क्योंकि आपके बिजनेस से एक एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये कैश अकाउंट आप लोगों का क्रेडिट होगा। तो ये आप लोगों के पास एक सिंपल एंट्री ये वाली बनेगी कि परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेजेस डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट परचेजेस में देखो, क्रेडिट परचेजेस में क्या है, आप लोगों ने उधार पे चीजें परचेज की है किसी से, आप लोगों ने उधार पे विदाउट यानी कि पैसे के आप लोगों ने चीजें परचेज की है, तो आप लोगों की एंट्री होगी परचेजेस, तो फिर आपके बिजनेस में बढ़ेगी, परचेज बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि गुड्स परचेज की है तो आप लोगों की, मतलब ये मैं पहले आपको बताता जाऊं कि जो गुड्स परचेज होंगी, ठीक है, चीजें एसेट वगैरह नहीं, क्योंकि एसेट परचेज होगा तो अपने हेड से डेबिट होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्रेडिट परचेजेस में परचेजेस को डेबिट करोगे, फिर आप लोगों के पास गुड्स परचेज नहीं है तो डेबिट क्यों होगी परचेजेस, और क्रेडिट क्यों होगी आप लोगों के पास। यहाँ पे हमने जिनसे चीजें ली है, अगर आपको उसका नाम दिया है तो उसका नाम आएगा अली से, उस्मान से, उमर से, या किसी से भी, हजरत से, या किसी से भी, तो आप लोग अगर नाम नहीं दिया तो उसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होते हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, और इन्हें हम लोग अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, और इसको हम लोग आप लोगों के पास सप्लायर भी कहते हैं, ठीक है, सप्लायर भी कहते हैं ऐसे लोग जिनसे हम लोग सप्लाई ले रहे हैं। तो जब भी चीजें उधार पे खरीदोगे तो आप लोग डेबिट करोगे परचेजेस को और क्रेडिट करोगे, या तो वो क्रेडिटर का नाम होगा उसको कर दीजिएगा, या अकाउंट्स पेएबल लिखोगे या सप्लायर लिखोगे, तो इन लोग इस तरह से आप लोगों की ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा और लेक्चर को यहीं पे पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास कैश परचेज रिटर्न्स कर रहे हो, कैश परचेजेस आप लोग कैश परचेजेस थी, कैश परचेजेस रिटर्न्स कर रहे हो, मतलब जो कैश में चीजें खरीदी थी वो वापस कर रहे हो, तो आप लोग करोगे कुछ पैसों की चीजें वापस होती हैं, इसी एंट्री को आप लोग रिवर्स कर दोगे, मतलब कैश पहले क्रेडिट था इसको डेबिट कर दोगे, आपका जितना से कैश से चीजें वापस गई हैं वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और परचेजेस आप लोगों की क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन वो परचेजेस ये आप लोगों के पास कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जितने से आप लोगों ने मतलब चीजें वापस की हैं, और आप लोगों के पास परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे परचेजेस रिटर्न्स के नाम से होगा, परचेजेस रिटर्न्स के नाम से, ठीक है। तो ये सिंपल एंट्री होगी, जितने पैसों की चीजें आपकी रिटर्न हो रही है कैश मतलब आपके पास वापिस आ जाएगा, और परचेजेस आप लोग जो चीजें खरीदी थी रिटर्न कर दोगे, तो परचेजेस जब भी रिटर्न करोगे तो मतलब ये आप लोगों की बढ़ेगी जो क्रेडिट होती है, परचेजेस रिटर्न्स बढ़ेगी जो क्रेडिट होगी, ठीक है। और यहाँ फॉर एग्जांपल यही मैं करता हूँ कि आप लोग क्रेडिट परचेज रिटर्न्स कर रहे हो, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न्स कर रहे हो, मतलब जो कैश में चीजें आपने जो क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी वो वापस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे, इस क्रेडिटर या सप्लायर को डेबिट करोगे जिनसे आपने वो चीजें ली थी, क्रेडिटर या सप्लायर या अकाउंट्स पेएबल, इन्हीं को आप लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे जितने से आप लोगों ने वो चीजें वापस की हैं, और नीचे क्या क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न्स, और परचेजेस रिटर्न्स आप लोगों की ये वापस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के पास क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों की सिंपल ये वाली एंट्रीज भी ओके हो जाएगी। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आएगी, मतलब ये थी गुड्स परचेज की,
अब हम लोग करते हैं गुड सेल्स की एंट्रीज। तो आप लोगों ने ये एंट्रीज आप लोगों ने मतलब याद रखनी है। अब हम लोग करते हैं सेल्स की एंट्रीज, ठीक है जी बच्चों। हम लोगों ने अभी आपके लिए परचेजेस की एंट्रीज की थी, जो मतलब मैक्सिमम आप लोगों के पेपर में परचेजेस की सेम वही एंट्रीज आती है, या कैश परचेजेस की आती है, कैश परचेज रिटर्न्स की आती है, या क्रेडिट परचेजेस की आती है और क्रेडिट परचेज रिटर्न्स की आती है। अब बच्चों हम लोगों के पास जो आ रहा है गुड्स सेल करने की, सेल गुड्स की मतलब आप लोगों ने गुड्स सोल्ड की है या आप लोगों ने सेल्स की है, ठीक है। लेकिन गुड्स की मैं एसेट की सेल नहीं कह रहा, गुड्स की सेल कह रहा, चीजों की, ठीक है। तो इसमें भी दो आप लोगों के पास आ जाएंगी। हम लोगों के पास कैटेगरी में दो बना लेते हैं। एक हम लोगों के पास आ जाएंगी जो हमारी कैश सेल्स है, ऐसी सेल्स जो मतलब आप लोगों ने कैश पे की है, ठीक है। और एक आप लोगों ने क्रेडिट पे सेल्स की है, क्रेडिट पे सेल्स की है, ठीक है। तो बहुत शॉर्टली मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, बहुत मतलब शॉर्ट लेवल में, कोई ज्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं चाह रहा कि किसी और बात से वेस्ट करूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट देना है तो अल्लाह पाक करे कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाए। अब देखिए कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब है जो चीजें आप लोगों ने कैश के ऊपर सेल की हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, देखो एक तो सबसे पहले कैश सेल्स करते हो तो आपके पास कैश आता है, एसेट बढ़ता है। तो जब भी कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इसका मतलब है नेचर वाइज ये डेबिट होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट आप लोगों के पास सेल्स, सेल्स हमारी जब भी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू इनकम की नेचर होती है सेल्स की। तो सेल्स जब भी, यहां बता देता हूं, सेल्स आप लोगों के पास जब भी बढ़ेगी आप क्रेडिट करोगे, और सेल्स जब भी आप लोगों के पास कम होगी डेबिट करोगे। तो ये इसकी रूल है, इसके डेबिट क्रेडिट है। तो कैश तो एसेट होता है, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया, और सेल आप लोगों के पास बढ़ रही है तो सेल आप लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट आप लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। और ये बच्चों आप लोगों के पास एंट्री आ जाएगी। सिंपल, कैश हमेशा बिजनेस में बढ़ेगा, चीजें बेचोगे तो सेल्स आपकी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स में उधार के ऊपर, आपने किसी को चीजें बेची है लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है, उधार कर लिया उसे, क्रेडिट कर लिया, तो इस वाले सिनेरियो में आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों के पास अब यहाँ पे तो वो बंदे का नाम मतलब वो जो भी है डेटर, या आप लोगों के कस्टमर जो भी उसका नाम है, अली है, उमर है, उस्मान है, एल ए है, एक्स है, रेक्स है, एक्स वाई, जो भी नाम है उसका, ठीक है। तो डेटर्स हैं, क्रेडिट मतलब कस्टमर्स हैं, और इन्हें अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसीवेबल। तो बेसिकली इसके अकाउंट को आपके वो कस्टमर एसेट होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज बता दूं कि डेटर भी हम लोगों के कस्टमर भी क्या होते हैं, एसेट। तो ये भी एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं। एसेट बढ़े तो डेबिट करोगे, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करोगे। वही नेचर अप्लाई की मैंने, क्योंकि क्रेडिट सेल्स की है तो ये कस्टमर हमारे एसेट है, एसेट बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट, तो इसको आप लोग डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट इसको करोगे आप लोग फिर सेल्स पे, क्योंकि यहाँ पे इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, तो सेल्स की नेचर होती है सेल्स बढ़े तो डेबिट करते हो। सेल्स की ये नेचर है, मतलब उसका रूल है, सेल बढ़े तो आप लोग क्या करोगे क्रेडिट। तो ये सेल्स के डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, तो आप लोग सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। हमने यहाँ पे ये बढ़ी तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और जितनी भी उसमें आप लोगों के पास अमाउंट आ रही है वो अमाउंट लिख दोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सिंपल दो चीजें तो हमें पता लगी कि सेल्स जब भी बिजनेस में होगी गुड्स की, हमेशा सेल क्रेडिट होगी, और जो भी आपका कैश या जो भी एसेट मतलब डेटर वगैरह कस्टमर वगैरह, वो हमेशा डेबिट होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ बच्चों इनकी रिटर्न्स, फॉर एग्जांपल अगर कैश सेल्स रिटर्न्स है, अगर आप लोगों के पास कैश सेल्स की रिटर्न्स है, ठीक है, तो उसमें आपने कैश सेल्स रिटर्न्स की, जो कैश पे चीजें खरीदी थी वो वापस की है, तो आपके पास सेल खत्म हो जाएगा, सेल को डेबिट करोगे, लेकिन रिटर्न्स के नाम से सेल रिटर्न्स अकाउंट कैश, ये आप लोगों का बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश आप लोगों से कम हो जाएगा क्योंकि आप वो पैसे वापस दे दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जितने पैसों से होगा उतने पैसे आप लोग सेल रिटर्न्स में डेबिट कर दोगे, और कैश से जितने निकलेंगे कैश से निकाल दोगे, क्योंकि एसेट एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, और सेल्स आपकी कम हुई तो सेल रिटर्न्स के नाम से डेबिट हो गए, ठीक है। यहाँ भी सेम हुई, मतलब अगर आप लोगों के पास
क्रेडिट सेल्स रिटर्न जो होगी, क्रेडिट सेल्स रिटर्न जो होगी, अगर क्रेडिट वाली सेल्स आपकी रिटर्न जो होगी तो क्या करोगे, सेम हुई सेल्स रिटर्न डेबिट होंगी, सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होंगी, और क्रेडिट आप लोगों के पास क्या होगा, वो कस्टमर या वो जो भी आप लोगों के पास बंदा था, या वो डेटर्स या वो कस्टमर या वो अकाउंट्स रिसीवेबल, ये आप लोगों के पास क्या होंगे, ये क्रेडिट होंगे। तो बच्चों ये आप लोगों के पास सिंपल सेल्स की एंट्रीज भी होगी। एक चीज जो कॉमन आप लोगों ने देखा कि जब भी सिंपल सेल करोगे तो सेल हमेशा बढ़ेगी, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो आई होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी, और फिलहाल अगर मैं आपसे नेक्स्ट आगे फर्दर एंट्रीज की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मेन हमारे पास आगे हेड आएंगे जिसमें एक्सपेंसिस है, इनकम है, और फिर कुछ एसेट्स की एंट्रीज बताऊंगा, और कुछ स्पेशल एंट्रीज टाइम्स की एंट्री या इसी तरह से कुछ और स्पेशल एंट्रीज आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल एक्सपेंसिस और इनकम की एंट्रीज बताता हूँ, ठीक है जी। जो अब हम लोगों के पास जो जनरल एंट्रीज में आ रही है, दो हमारे पास फिर एंड आ रहे हैं, अगर एक्सपेंसिस होंगे और इनकम होंगे तो फिर आप लोगों के पास एंट्रीज कैसे होंगे। देखिए जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी एक्सपेंडिचर है, और जितनी भी इनकम है वो सारी रिसीट्स हैं, वो सारी इनकम है, जो पैसा आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने पे किया है और वो एक्सपेंस में आ गया, जो पैसा आप लोगों ने रिसीव किया वो इनकम में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उनके हेड कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं, ज्यादा नॉर्मली जो यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रेंट पे किया है, रेंट पे, ठीक है, तो आप लोगों ने किया जी रुपीज 1000 का, मतलब पहले ये भी बता दूं एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट करोगे, ये उसके रूल्स हैं, ठीक है। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट करोगे और जब भी कम होगा तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कि रेंट पे किया, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, ये हमारा हेड है, तो रेंट को आप लोग डेबिट कर दो क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा डेबिट कर दिया, और क्रेडिट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि यहाँ आप लोग कैश ही पे कर रहे हो, तो कैश पे कर दिया, ये आपके पास 1000 से ये आ गया, 1000 से ये रेंट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, कैश पैसे आपसे कम हुए क्रेडिट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह से कह लो कोई सैलरीज पेड की है, आपने कोई सैलरीज पेड की है, ठीक है बच्चों, वो आपने की है रुपीज 5000 की, तो 5000 की आपने कोई सैलरी पे की है, तो यहाँ भी हेड आपका क्या है, सैलरीज टू मतलब सैलरी आपका एक्सपेंस पड़ेगा डेबिट, अपने हेड से पेड रेट के अकाउंट को आपने डेबिट नहीं करना, जो हेड आपको दिया होगा उससे आप लोग डेबिट करोगे, जैसे रेंट था रेंट को डेबिट किया, या सैलरीज है सैलरीज को डेबिट करोगे, ठीक है, और क्रेडिट आपका फिर कैश ही होगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों से पूछता हूँ कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किया है जैसे वेजेस पेड की है, तो क्या एंट्री करोगे आप बताओ, कोई भी आप में से वेजेस को डेबिट करोगे और क्रेडिट से करोगे कैश को, तो सिंपल है बच्चों, वेजेस को आप लोग वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको करोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे, कैश क्योंकि आपसे कम हो रहा है इसको क्रेडिट कर दोगे, ये डेबिट होगी ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास कोई भी एक्सपेंडिचर आता है, प्रिंटिंग के कोई एक्सपेंडिचर आते हैं, कोई स्टेशनरी के आते हैं, कोई आप लोगों को एडवर्टाइजिंग के आते हैं, कोई आप लोगों को एंटरटेनमेंट के आते हैं, कोई पोस्टेज और टेलीग्राम के आते हैं, कोई रेंट रेट एंड टैक्सेस के हेड में आते हैं, तो आपने अगर ये चीज़ें कोई कमीशन पेड की है, कोई इंटरेस्ट पेड की है, कोई फी पेड की है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो भी चीज़ें पे करते हो इस तरह के एक्सपेंडिचर अपने नाम से अपने हेड से डेबिट होते हैं, और कैश अगर पे किया तो कैश से आप लोगों के क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल ये था। अब आता है इनकम, इनकम जितनी भी आप लोगों ने चीज़ें रिसीव की हैं, जैसे यही हेड है, अगर आप इनको रिसीव करोगे तो इनकम बन जाएंगे, रेंट रिसीव कर रहे हो तो रेंट रिसीव इनकम बन जाएगा, कमीशन रिसीव कर रहे हो तो कमीशन रिसीव इनकम बन जाएगा, आपके पास सैलरी रिसीव कर रहे हो तो सैलरी रिसीव इनकम बन जाएगी, वेजेस रिसीव कर रहे हो तो वेजेस रिसीव इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इनकम में होता क्या है, इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, इनकम जब भी कम होगी तो डेबिट करोगे, तो ये तो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने रेंट रिसीव किया,
रुपीज 1000 से मैंने एक हजार का रेंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे आप लोग करोगे मतलब कैश आपके पास बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस में तो कैश आएगा, ठीक है, वो आप लोगों का बढ़ेगा जो डेबिट हो जाएगा 1000 से। और रेंट रिसीव इनकम जब भी बढ़ेगी क्या करोगे क्रेडिट, तो अपने नाम से होगी, रेंट रिसीव के नाम से, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव अकाउंट, तो इसको आप लोग क्या करोगे क्रेडिट कर दोगे 1000 से। ऐसे ही बच्चों आप लोग कोई भी चीज कमीशन रिसीव कर रहे हो वो भी क्रेडिट हो जाएगी, आप लोग कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस रिसीव कर रहे हो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कुछ भी रिसीव कर रहे हो, ठीक है, वो आप लोगों की चीजें वो जो भी हेड होगा वो फिर इनकम के हेड में आप लोग जैसे रेंट है वेजेस है आपके पास कोई एडवर्टाइजिंग है कुछ भी है कोई फी रिसीव कर रहे हो तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी क्रेडिट और डेबिट आप लोगों के पास कैश हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कर देता हूँ कि मैंने इंटरेस्ट रिसीव की है, इंटरेस्ट रिसीव की है, ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे रुपीज 1000 की तो कैश तो आपके पास बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा 1000 से क्योंकि ये आपका डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या चीज होगी बच्चों, वो आप लोगों के पास इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कि क्रेडिट होगा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, नहीं इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट पूरा लिखोगे ना तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, ये 1000 से डेबिट और ये 1000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑल्सो के चल आप लोग को समझ आ गई होगी मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, कौन सी एंट्रीज हम लोगों के पास आ रही है वो भी देख लीजिए जी बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ रही है ड्राइव्स की एंट्रीज। देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा ड्राइव्स होती क्या है, जो भी हमारे ओनर्स और प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम लोग ड्राइव्स के हेड में लिखते हैं, ठीक है, जो भी ओनर्स के प्रोप्राइटर के बिजनेस के मालिक के जो